नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज मास्टर स्ट्रोक कुंभ की नगरी प्रयाग से। आज ही एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे आया है और इस सर्वे ने बताया है कि आने वाले चुनाव त्रिशंकु की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। और जब ये सर्वे हुआ था तब ये खबर नहीं थी कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में एंटर कर चुकी हैं, राजनीति में प्रवेश कर चुकी हैं। तो अब जब ये हो गया है तो सीटों पर प्रभाव तो प्रियंका डालेंगी ही। तो प्रियंका के उस असर पर मास्टर स्ट्रोक में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नेहा का रुख करते हैं। वो इस वक्त हमें जो बिग पिक्चर एबीपी न्यूज और सी वोटर की निकल कर सामने आई है सर्वे की, वो बताएंगी इलेक्शन डेटा सेंटर से। बने हुए हमारे साथ और देख रहे हैं देश का मूड। अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव हो जाए तो देश किसके नाम पर मोहर लगा रहा है, सबसे पहले बड़ी तस्वीर में आइए, वोट शेयर आपको दिखाते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 38% वोट शेयर एनडीए के खाते में जाता हुआ, ठीक पीछे यूपीए 32% वोट शेयर के साथ और उसके बाद अन्य का नंबर आ रहा है 30% वोट शेयर के साथ। यानी एनडीए अब भी वोट शेयर के मामले में सबसे आगे, लेकिन ये सीटों में कैसे परिवर्तित हो रहा है, आइए बड़ी तस्वीर में आप सीटों पर नजर डालते हैं। 543 सीटों में से आज अगर लोकसभा के चुनाव हो जाए तो देश ये कह रहा है कि एनडीए को 233 सीटें मिलने का अनुमान है, यूपीए को 167 सीटें मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में 143 सीटें जा रही हैं, यानी किसी की सरकार बनती नहीं नजर आ रही है। त्रिशंकु लोकसभा के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक किसी को बहुमत नहीं, एनडीए बहुमत से 39 सीट दूर। 233 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान एबीपी न्यूज सी वोटर के सबसे बड़े और ताजा सर्वे में। लोकसभा चुनाव में खिचड़ी सरकार का अनुमान, एनडीए 39 सीट दूर बहुमत से। कैसे बनेगी मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार कैसे बनेगी, विकल्प क्या होगा, कौन से दल हैं जो एनडीए के साथ आएंगे, बड़ी तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। फिर से 2019 में इन आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार कैसे बनेगी, देखिए 233 सीटें एनडीए की अपने दम पर, 19 सीटें आप उसमें जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस की जोड़ दीजिए, 16 सीटों के साथ अगर टीआरएस समर्थन देती है और 9 सीटें अगर बीजू जनता दल की आके जुड़ जाती हैं तो यह आंकड़ा हो जाता है, इन सबको जोड़ दीजिए आंकड़ा हो जाएगा 277 बहुमत का मार्क। लोकसभा में जादू यह आंकड़ा 272 का, और इस तरह से 277 सीटों के साथ एनडीए तीन और साथियों के साथ, टीआरएस, इसके अलावा बीजू जनता दल और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर के साथ मिलकर बना सकता है सरकार 277 सीटों पर। देश की राजनीति में सबसे ज्यादा कद्दावर अगर कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि वही रास्ता तय करती है दिल्ली का। 80 सीटें हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी की झोली में 73 सीटें आई थी इसी उत्तर प्रदेश से, लेकिन क्या अब मायावती और अखिलेश की जोड़ी, उधर प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री, इस गणित को बीजेपी की बिगाड़ सकते हैं? आप मत भूलिए कि बीजेपी का अगर आसरा है, अगर उम्मीद है, तो वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, और उसी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। तो क्या प्रियंका का ये पॉलिटिकल पावर मोदी का गेम बिगाड़ सकता है या फिर मोदी का मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है? अमेठी की जनता को कहना चाहता हूं, आपका मेरा पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। आप एक बात याद रखो, आपका एक सिपाही, एक नहीं अब दो है, एक्चुअली तीन है, आपके तीन सिपाही आपके लिए देश में काम कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने के बाद राहुल रायबरेली और अमेठी के लोगों से अपना पारिवारिक रिश्ता और मजबूती से जोड़ने में लग गए हैं। यूपी में सिर्फ यही वो दो सीट है जहां कांग्रेस बची है, लेकिन अब राहुल ने पूरे यूपी में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का बीड़ा उठाया है।
इसके लिए प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। ये नौबत इसलिए भी आई क्योंकि मायावती और अखिलेश के मजबूत जोड़ के बाद कांग्रेस यूपी में अलग थलग हो गई थी। एसपी बीएसपी का ये गठबंधन कितना मजबूत है इसका सबूत है एबीपी न्यूज सी वोटर का सबसे बड़ा सर्वे। सर्वे के मुताबिक पूर्वांचल की 21 सीटों में एनडीए को सिर्फ 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एसपी बीएसपी के गठबंधन को सबसे ज्यादा 15 सीटें मिल सकती हैं। यानी मायावती अखिलेश की जोड़ी इस इलाके का खेल पलटने वाली है। 2014 में पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की एक सीट छोड़कर बाकी सब बीजेपी ने जीती थी। कमोबेश यही हाल अवध क्षेत्र का भी था। अवध वो इलाका है जहां लखनऊ, रायबरेली और अमेठी जैसी वीआईपी सीटें आती हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक अवध की 18 सीटों में एनडीए सिर्फ 3 सीटों पर सिमट सकती है। यूपीए को 2 सीटें यानी मानकर चलिए अमेठी और रायबरेली, और महागठबंधन को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां हम आपको एक बार फिर बता दें, ये सर्वे प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाए जाने से पहले का है। प्रियंका को जिस पूर्वी यूपी का प्रभार दिया गया है उसमें पूर्वांचल और अवध को मिलाकर 39 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 39 सीटों में एनडीए को 9, यूपीए को 2 और महागठबंधन को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। अब सवाल ये है कि क्या प्रियंका के आने से ये समीकरण बदलेंगे, तो ये फैसला जनता ही करेगी। इसीलिए एबीपी न्यूज पहुंचा पूर्वांचल के गोरखपुर और वाराणसी। आप भी सुनिए कि प्रियंका को लेकर यहाँ के लोगों की क्या राय है। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी का जादू चलेगा? नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ। कुछ जमीनी हकीकत से तो कोई संबंध है नहीं इस बात का। एक स्टारडम है, बहुत छोटे पैमाने पे कभी कभी काम करते। प्रियंका के जादू कांग्रेस पार्टियों में ही चलेगा क्योंकि कांग्रेस इससे बहुत उत्साहित हैं, उनके कार्यकर्ताओं में जोश है। लेकिन बसपा सपा का जो गठबंधन हुआ है उसके आगे कांग्रेस हमें फीकी नजर आती है। जो भी करना था पहले करना चाहिए, चुनाव से एंड में, चुनाव के लास्ट में करना फायदेमंद नहीं होगा। कांग्रेस में कुछ जान तो आ गया है प्रियंका के नाम से, लेकिन होना कुछ नहीं है क्योंकि बीजेपी बहुत केवल मोदी जी के नाम से बीजेपी बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में भी। वैसे तो हर लड़की में बहुत अट्रैक्शन होता है, तो राहुल गांधी से ज़्यादा अट्रैक्शन जो है प्रियंका में है, लेकिन मोदी के टक्कर पर जब बात आएगी तो मोदी तो लड़के लड़की की डेफिनेशन के बाहर है। पूर्वी यूपी किसी जमाने में कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2014 में मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े और 2017 में गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान सौंप दी गई। बीजेपी के इन दो दिग्गजों की सीट होने के कारण पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ बन गया। इसमें पहली सेंध एसपी बीएसपी ने लगाई जब गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में इस गठबंधन ने बीजेपी को हराया। वही दांव अब 2019 में भी दोहराने की तैयारी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ विकास के दावों के दम पर बीजेपी दोबारा यहां अपनी दावेदारी मजबूत कर पाएगी। पूर्वी भारत में देश के विकास को कई गुना तेज करने की क्षमता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वैसी ही क्षमता है। जब तक पूर्व में विकास का सूरज नहीं उगेगा तब तक न्यू इंडिया की चमक फीकी रह जाएगी। पूर्वी हिस्से को एक प्रकार से विकास का नया कॉरिडोर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। तो पूर्वी यूपी में एक तरफ बीजेपी के पास मोदी योगी की जोड़ी का जलवा है, दूसरी तरफ मायावती और अखिलेश का जबरदस्त जातीय समीकरण। ऐसे में कांग्रेस क्या सिर्फ प्रियंका के सहारे इन चारों से निपट पाएंगी? प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने से इतना फर्क पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अभी लड़ाई जो सीधी बीजेपी और महागठबंधन के बीच थी वो ट्रायंगुलर हो जाएगी। अब कांग्रेस किसका वोट, कांग्रेस को जो वोट शेयर बढ़ेगा कांग्रेस का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए सीट के मामले में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिलहाल प्रियंका फैक्टर के बिना किए गए सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पूर्वी यूपी में महागठबंधन ही मजबूत दिख रहा है। एबीपी न्यूज का सर्वे ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में
कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती है, 2014 में 2 सीटें मिली थी। अब आप ये सोच रहे होंगे तो फिर वो और कौन सी 2 सीटें हो सकती है जिन पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। इस सवाल का जवाब छुपा है 2014 के गणित में, 2014 के उस रिजल्ट में, क्योंकि वो 6 सीटें जहां पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी उनमें से 4 प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी है। तो क्या प्रियंका गांधी की रणनीति इन 4 सीटों पर जीत दर्ज करवा पाएगी? एक बहुत ही बारीक विश्लेषण आपके लिए राजनीतिक तौर पर मास्टर स्ट्रोक में। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका को वाराणसी से लड़ने का न्योता दे रहे हैं। आज तो शहर में पोस्टर भी लग गए। पोस्टर पर भोजपुरी में लिखा गया है, काशी की जनता करे पुकार, प्रियंका गांधी हो सांसद मार। कल इलाके के कद्दावर कांग्रेसी नेता अजय राय ने भी प्रियंका को वाराणसी से लड़ाने की मांग रखी थी। हम सब लोगों की मांग है, हम सब लोग चाहते हैं कि प्रियंका दीदी आवे बनारस से चुनाव लड़े और हम सब लोग जमकर उनके लिए मेहनत करेंगे और काशी की धरती से उनको यहाँ से भारी मतों से चुनाव जिताकर हम लोग पीछे। वाराणसी वो सीट है जहाँ से अभी पीएम मोदी सांसद है, लेकिन माना जाता है कि एक जमाने में ये सीट कांग्रेस की गढ़ हुआ करती थी। लेकिन 90 के दशक में जब बीजेपी राम लहर पर सवार हुई तो देश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाली ये सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। वाराणसी को पूर्वांचल की राजधानी भी कहते हैं। 2014 में मोदी लहर के सामने कांग्रेस पूर्वांचल की एक भी सीट जीत नहीं पाई, जबकि बीजेपी ने इलाके में आजमगढ़ को छोड़ बाकी सभी सीटों पर जीत हासिल की। मोदी ने वाराणसी की सीट से चुनाव लड़कर पूरे पूर्वांचल क्षेत्र को साधने का काम किया, तो साथ ही इलाके की आधी सीटों पर योगी आदित्यनाथ का भी खास असर माना जाता है। लेकिन प्रियंका के प्रभारी बनने के बाद पार्टी नए जोश के साथ लड़ने की तैयारी में है और नजर उन सीटों पर पहले है जहां कांग्रेस ने एसपी बीएसपी से अच्छा प्रदर्शन किया था। पूरे प्रदेश में कांग्रेस रायबरेली और अमेठी 2 ही सीट पर जीत पाई, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी। इन 6 में से 4 सीटें कानपुर, बाराबंकी, कुशीनगर और लखनऊ है, जो कि प्रियंका के प्रभार वाले इलाके में है। कानपुर की बात करें तो इस सीट से कांग्रेस के प्रकाश जायसवाल सांसद रहे हैं, लेकिन मोदी लहर में जायसवाल हार गए। तब बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी को 4,74,000 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे जायसवाल को 2,51,000 वोट, एसपी को महज 25,000 और बीएसपी को 53,000 वोट मिले। प्रकाश जायसवाल मनमोहन सरकार में मंत्री भी रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी कांग्रेस प्रकाश जायसवाल को ही टिकट देगी। आंकड़े बताते हैं कि एसपी बीएसपी यहां टक्कर में नहीं है, बीजेपी भी अपना उम्मीदवार बदलने वाली है। ऐसे में प्रियंका अगर जोर लगाती हैं तो कानपुर में उलटफेर हो सकता है। एक और मंत्री रहे आरपीएन सिंह भी मोदी लहर में कुशीनगर सीट से हार गए थे। आरपीएन अभी पार्टी के प्रवक्ता हैं और माना जाता है कि कुशीनगर से फिर लड़ेंगे। प्रियंका के पावर से कांग्रेस इस सीट पर भी उलटफेर कर सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि प्रियंका ये काम करेंगी कैसे, तो उसका जवाब इस तरह से समझिए। यूपी में करीब 12% ब्राह्मण वोट प्रियंका के निशाने पर है। ब्राह्मण कांग्रेस के ही परंपरागत वोटर रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका के नाम पर मुस्लिम वोट भी कांग्रेस की ओर झुक सकता है, यानी ब्राह्मण और मुस्लिम का नया समीकरण प्रियंका का काम आसान करेगा। बाराबंकी और लखनऊ की सीट पर भी कांग्रेस 2014 में दूसरे नंबर पर रही थी। ये अलग बात है कि लखनऊ से लड़कर हार चुकी रीता बहुगुणा जोशी अब बीजेपी में है, लेकिन प्रियंका का पॉलिटिकल पावर इन दोनों सीटों का भी समीकरण उलट सकता है। प्रियंका गांधी राजनीति में आई, मीडिया में कवरेज बटोरी और उसके बाद आप देखिए पूरे देश में इस बात की एक बार फिर से चर्चा होने लगी कि प्रियंका गांधी इंदिरा का अवतार है। आज तो शिवसेना ने भी कह दिया कि इंदिरा प्रियंका, प्रियंका इंदिरा, और ये वो पार्टी है जिसके प्रमुख बाल ठाकरे भी इंदिरा गांधी के फैन हुआ करते थे, आज पार्टी फैन है। लेकिन
इंदिरा गांधी जैसी दिखने वाली प्रियंका के इस दावे की हकीकत क्या है, अब वो समझते हैं हम। और ये भी कि क्या ये बात 2019 के चुनाव में असर डाल सकती है। इंदिरा जी के रूप में देखा जा रहा है, इंदिरा जी, इंदिरा जी। खुशी के मारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कल से ही प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी का रूप बता रहे हैं। कांग्रेसियों की इस खुशी की झलक अब बीजेपी के सहयोगियों के चेहरे पर भी दिखने लगी है। शिवसेना के सांसद संजय राउत भी कह रहे हैं कि प्रियंका इंदिरा की तरह दिखती हैं। हाँ, जब से वो छोटी थी, इंदिरा जी के साथ उनके जो मैं हमेशा फोटो और वीडियो देखे है, तो उसमें एक झलक हमेशा लगी कि इंदिरा गांधी जी का प्रभाव प्रियंका के ऊपर ज्यादा है। उनका चेहरा जब मैं देखता हूँ, उनका बात करने का तरीका देखता हूँ, ये जो प्रियंका है उनके बारे में हमेशा लोगों के मन में एक ऐसा भाव रहा है कि राजनीति में अगर प्रियंका आती है तो कोई चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन अभी डेमोक्रेसी है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, उसमें कोई हमारी राय महत्वपूर्ण नहीं है। माना जाता है कि बाल ठाकरे इंदिरा के फैन हुआ करते थे, अब कांग्रेस में जमाना प्रियंका का आया है, तो शिवसेना कह रही है कि प्रियंका में इंदिरा की छवि है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका की तुलना इंदिरा से हो रही है। असल में प्रियंका के लुक को लेकर अक्सर उनकी तुलना दादी इंदिरा गांधी से होती रही है, और इस तुलना की वजह है साड़ी। जी हाँ, प्रियंका को इंदिरा के रूप में देखने की वजह है साड़ी। प्रियंका गांधी जब भी चुनावी मोड में होती हैं, तो वो साड़ी में ही नजर आती हैं। ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि 15 साल से तो देश देख ही रहा है। जिस अंदाज में प्रियंका गांधी साड़ी रखती हैं, उस अंदाज की तुलना भी इंदिरा गांधी के अंदाज से होती है। ये इंदिरा जी की कर्म भूमि है, भारत की उस बेटी की कर्म भूमि है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रियंका का भाषण भी इंदिरा की तरह ही होता है। जब उन्होंने यूं ताली बजाकर नोटबंदी की और आपकी बचत को इस तरह फिंगवाया आपसे, जिस तरह कागज के टुकड़े को फेंकते हैं। साड़ी ही क्यों, प्रियंका के बालों के स्टाइल को लेकर भी तुलना इंदिरा गांधी से होती है। ये महज संयोग कहिए कि इंदिरा गांधी प्रियंका को बहुत मानती थी। गांधी परिवार के करीबी माखनलाल पोतेदार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंदिरा गांधी पहले प्रियंका का नाम सारिका रखना चाहती थी, लेकिन एक जानने वाले की बेटी का नाम था, इसीलिए बदल कर प्रियंका किया। मेरी एक दो आदमी फैमिली के सतीश शर्मा वगैरह, इन्होंने कहा कि सतीश शर्मा के लड़की का नाम का ये सारिका है। मैंने सोचा कि नाम मैंने वहां दिया है तो अब क्या नाम रखूं, नाम उसका प्रियंका। बताया जाता है कि प्रियंका दादी इंदिरा के काफी करीब थी, और इंदिरा ने भविष्यवाणी की थी कि प्रियंका एक दिन देश को संभालेंगी। वो क्या कहा था उन्होंने, वही जो होने वाला है, होना चाहिए पॉलिटिकल लीडर के देश को संभालेगी, देश का नेतृत्व करेगी। ये भविष्यवाणी इंदिरा जी ने उसी वक्त कर दी। इंदिरा गांधी की इस भविष्यवाणी पर इस साल एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में आए ज्योतिषियों की टोली में से एक ज्योतिषी ने भी मुहर लगाई थी। प्रियंका गांधी जी के बारे में ये सोनिया गांधी जी की तरह नहीं, इंदिरा गांधी जी की तरह रोल अदा करेंगी, और 2024 इनके ये जो है अगला प्रधानमंत्री हो सकती हैं कांग्रेस की, ये मैं कह सकता हूँ। सूर्य की महादशा स्टार्ट होती है 2024 से, अभी तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा हो उसको आप सीधे प्रधानमंत्री बना रहे हैं। शुक्र जो है अभी इनकी महादशा चल रही है, 2024 में सूर्य की महादशा शुरू होगी, सत्ता में लेके आएंगी। अब प्रियंका सक्रिय राजनीति में आ चुकी है तो समर्थक इंदिरा की छवि देख रहे हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे ये बताता है कि देश में 2019 में खिचड़ी सरकार बनने के आसार है, और ये सर्वे हमने कहीं और नहीं आप ही लोगों के बीच में आकर किया है, और इसीलिए अब ये खास तौर पर रिपोर्ट आपके लिए है। आप जानते हैं कि देश में जब जब खिचड़ी सरकार बनी है तब तब देश का हाल क्या हुआ है। हम चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को आप बहुत गौर से देखें, बारीकी से देखें, समझें, परखें, तब जाकर वोट करें, क्योंकि आपका एक वोट
देश को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगा, अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। Except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 1977 से लेकर अब तक की बात करेंगे तो देश गठबंधन की 8 सरकारें देख चुका है और अब एक बार फिर वही कहानी दोहराने की कवायद शुरू हो चुकी है। 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। तो प्रधानमंत्री बाद में देखा जाएगा कौन बनेगा। का चुनाव मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव। मोदी के खिलाफ लड़कर गठबंधन की सरकार बनेगी तो देश का क्या होगा, ऐसा सोचने से पहले जरा ये जान लीजिए कि पहले बन चुकी गठबंधन सरकारों का क्या हुआ था। 1977 में बहुमत मिलने के बावजूद कई दलों के जोर से बनी जनता पार्टी के मोरारजी देसाई सिर्फ 2 साल ही सरकार चला सके। जनता पार्टी तोड़कर प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह 6 महीने तक भी प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं संभाल सके। बोफोर्स रथ पर सवार वीपी सिंह ने 1989 में गठबंधन की सरकार तो बनाई लेकिन सरकार 1 साल भी नहीं चला सके। वीपी सिंह की जगह चंद्रशेखर ने ले ली, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई लेकिन सिर्फ 223 दिन ही प्रधानमंत्री रह पाए। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने लेकिन सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, 13 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वाजपेयी के इस्तीफे के बाद 13 दलों ने मिलकर सरकार बनाई, लॉटरी देवगौड़ा की लगी लेकिन 1 साल से कम समय के भीतर ही सरकार गिर गई। अब बारी इंद्र कुमार गुजराल की थी, कांग्रेस ने गुजराल का समर्थन किया लेकिन अंजाम वही हुआ, सरकार 332 दिन में गिर गई। 1998 में चुनाव हुए, वाजपेयी का करिश्मा काम कर गया, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई लेकिन बहुमत नहीं मिला, जोड़ तोड़ की सरकार बनी लेकिन 13 महीने बाद फिर से वाजपेयी के इस्तीफे का वक्त आ गया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जोड़ तोड़ की राजनीति का मतलब वाजपेयी को 90 के दौर का अंत होते होते समझ आ गया था लेकिन आज के विपक्षी नेता नहीं समझ पाए, देश को फिर उन्हीं हालातों में ले जाना चाहते हैं। वर्तमान हालातों में अपने देश में मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार की जरूरत है। मायावती चाहती हैं कि देश में मजबूर सरकार बने, किसी बड़े फैसले को लेने से पहले प्रधानमंत्री सहयोगियों का मुंह देखना पड़े, जबकि मोदी मजबूत सरकार की बात करते हैं। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने। फर्क सिर्फ इतना है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जो बातें कह रहे हैं यही बात 80 के दशक में संजय गांधी किया करते थे। तो देश की खतौली की तरक्की चाहते हैं कि नहीं? अगर आप तरक्की चाहते हैं तो तरक्की सिर्फ एक स्थायी सरकार दे सकती है, एक मजबूत सरकार दे सकती है। तो क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है और इतिहास के पन्नों को बारीकी से पलटेंगे तो समझ आएगा कि आज जो कहानी लिखने की कोशिश हो रही है। आप लोग यूपी से 0 बना दो बीजेपी को, बंगाल से हम लोग 0 कर देंगे। ठीक 42 साल पहले वो कहानी लिखी जा चुकी है। 1977 में जो कहानी लिखी गई थी उसी का जिक्र कर मायावती आज मोदी सरकार को डराती है। देश में शीघ्र ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में सन 1977 की तरह ही काफी भारी नुकसान भी होने वाला है। नुकसान किसका कितना होगा यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन स्थिति 1977 वाली ही है। उस वक्त एक इंदिरा गांधी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ था, जेपी के नेतृत्व में एक छतरी के नीचे तब मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, राजनारायण, जेबी कृपलानी जैसे नेता जमा हुए थे। तो अब एक मोदी के विरोध में राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव सरीखे नेताओं की कतार बड़ी लंबी है। कुछ भी करो
2019 में इनकी जोड़ी को दोबारा सत्ता में मत आने देना। बदल दो, बदल दो, बदल दो, बदल दो, सरकार बदल दो। देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी। उसको यहाँ से हटाना होगा, भगाना होगा। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में ममता के मंच पर 22 दलों के नेता एक साथ नजर आए थे। 1977 में तो इंदिरा गांधी को हटाने के लिए मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ, वाजपेयी की जनसंघ, चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल, जेपी की सोशलिस्ट पार्टी एक हो गई। चारों के विलय से जनता पार्टी का जन्म हुआ और इंदिरा गांधी के खिलाफ एक नाम एक निशान तले मैदान में उतरे और उनका साथ कांग्रेस से आए बाबू जगजीवन राम की पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने दिया। तो आज हर विपक्षी नेता की जुबा पर मोदी हटाओ का नारा है। अगर मोदी नहीं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैं उनको कहना चाहता हूँ, 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, 2019 का चुनाव मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव है। उस वक्त इंदिरा हटाओ के नारों के गूंज के बीच चुनाव लड़ा गया था। उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने एक इंटरव्यू में कहा था, विपक्ष को वोट करने का मतलब आजादी के पक्ष में वोट करने जैसा है, जबकि कांग्रेस को वोट करने का मतलब तानाशाही को समर्थन देना है। आज का चेहरा बदल गया है, लेकिन बोल ठीक वैसे ही है। जब हिटलर और जर्मनी का चांसलर बना 1931 में, कुछ महीनों के अंदर उसने देश का संविधान बदल दिया, उसने चुनाव खत्म कर दिए। और जब तक हिटलर मरा नहीं, वो जर्मनी का चांसलर रहा। जो हिटलर ने किया था, मोदी और अमित शाह की वही मंशा है। मोदी को हटाने के लिए विपक्ष तरह तरह की बातें कर रहा है, लेकिन इनमें से आपने किसी के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि विपक्षी देश के विकास के लिए क्या करेंगे। एक एमएलए होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सारी जमात वहां इकट्ठे होकर के बचाओ 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 इसके नारे लगा रही है। सच भी यही है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के कैनवास के आगे सभी विपक्षी नेता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसा 1977 में हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी ने एक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था, जनता पार्टी के लोग किसी सकारात्मक योजना के साथ एक मंच पर नहीं आए हैं, बल्कि लोग व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हुए हैं। नए नाम से बनाई गई पार्टी के वही पुराने उद्देश्य हैं, इंदिरा गांधी को हटाना। और आज नरेंद्र मोदी भी यही बात देश को बता रहे हैं। ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। लेकिन 1977 की उस इंदिरा विरोधी सरकार का अंजाम क्या हुआ था, यह आज के नेता बड़ी ही चालाकी से छिपा ले जाते हैं। 1977 में जनता पार्टी की खिचड़ी सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और चौधरी चरण सिंह बनना चाहते थे। खेमेबाजी शुरू हुई, पार्टी टूटी और 3 साल के भीतर 1980 में कांग्रेस लौट आई। लेकिन 3 साल से भी कम चली जनता पार्टी की खिचड़ी सरकार ने देश का बेड़ा गर्क करने का काम किया। 1978 में 54 मल्टीनेशनल कंपनियों ने देश छोड़ दिया था। कोका कोला, IBM, कोडैक जैसी कंपनियां देश से चली गई थी। हालत ये हुई कि 1977 में जो GDP ग्रोथ रेट 7.47% थी, वो 1979-80 में गिरकर -5.20% रह गई। और इसी खतरे से आज रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन आगाह कर रहे हैं। RBI के पूर्व गवर्नर ने आशंका जताई है कि अगर देश में गठबंधन की सरकार बनती है तो अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने का डर इसलिए क्योंकि हर पार्टी के एजेंडे में अपना ही दूरगामी हित छिपा हुआ है। सिर्फ अब तक के नामों को देखें तो विपक्षी खेमे से प्रधानमंत्री के 5 दावेदार सामने आ चुके हैं। ये 23 लोग जो ब्रिगेड ग्राउंड पर बैठे थे, उसमें 9 तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। एक ही मंच पर 9 प्रधानमंत्री बैठे थे, लाइन लगी है लाइन। अमित शाह गठबंधन पर हमलावर है तो विपक्ष मोदी और अमित शाह की जोड़ी पर वार पलटवार का दौर तो चलता रहेगा, क्योंकि देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और किस्मत की चाबी अब जनता के हाथों में आने के लिए बेकरार है। देश में ज्यादातर केसेस में परिवार ही पार्टी है। अच्छे दिन कभी नहीं आएगा, चला गया, आपको मौका मिस कर दिया। ये 23 लोग जो ब्रिगेड ग्राउंड पर बैठे थे, उसमें 9 तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे।
एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ कई दूल्हों की बारात। कौन बनेगा? हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, जो जनता तय करेगी वही बनेगा, और पहले भी बना है, फिर एक बार नया प्रधानमंत्री बनेगा। और कई दूल्हों की बारात जब जब देश के सामने खड़ी हुई है, तो देश का नुकसान ही हुआ है, क्योंकि गठबंधन भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो चुनाव से पहले किया जाता है, दूसरा वो जो चुनाव के बाद किया जाता है। और सच ये है कि चुनाव के बाद हुए गठबंधन वाली सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, और अभी चुनाव के बाद वाले गठबंधन का खेल चल रहा है। ये नहीं सोचे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो प्रधानमंत्री बाद में देखा जाएगा कौन बनेगा, मगर पहले हमें इलेक्शन लड़ना है। जैसा अभी फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, वैसे ही 1989 में जनता दल के नेता भी कहा करते थे। नतीजा ये हुआ कि जीत मिली तो प्रधानमंत्री पद के लिए वीपी सिंह और चंद्रशेखर आमने सामने आ गए। लेकिन उस वक्त चंद्रशेखर को काटने के लिए वीपी सिंह ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। वीपी सिंह ने बड़ी ही चालाकी से चौधरी देवीलाल का नाम आगे कर दिया। लेकिन देवीलाल को पता था कि अगर वीपी सिंह ने विद्रोह कर दिया तो सरकार अगले ही दिन गिर जाएगी। फिर क्या हुआ? बैठक में देवीलाल के नाम का प्रस्ताव तो दिया गया, लेकिन मजबूरन देवीलाल को वीपी सिंह के नाम को आगे करना पड़ा। मेरी तरफ से नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह का पेश करता हूं। देवीलाल के उस फैसले ने चंद्रशेखर खेमे को नाराज कर दिया। सरकार नहीं चल पाई, दो साल बाद सरकार गिर गई। और सरकार गिरने का नुकसान होता क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। 1980 में चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरने के बाद चुनाव हुए, तो अगला चुनाव कराने में 54 करोड़ रुपए खर्च हुए। 1990 में चंद्रशेखर की सरकार गिरी, तो चुनाव कराने के लिए देश को 359 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। 1996 से 98 के बीच गठबंधन की सरकारें नहीं चल पाई। नतीजा 1998 में फिर चुनाव हुए, और इस चुनाव का खर्च बढ़कर 597 करोड़ हो गया। 1998 में बनी वाजपेयी सरकार 13 महीने में गिरी, तो 1999 में फिर चुनाव हुए, और उस समय चुनाव कराने के लिए देश पर 666 करोड़ का बोझ पड़ा। 2019 में लोकसभा चुनाव कराने में करीब 7 से 8 हजार करोड़ रुपए लगने का अनुमान है। और अगर 2019 के चुनाव के बाद गठबंधन की सरकार बनी गलती से चल नहीं पाई, तो देश क्या फिर से 8 हजार करोड़ रुपए नुकसान सहने के लिए तैयार रहेगा? और दूसरी बात यह कि गठबंधन सरकार बनने पर प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार किसी गुमनाम बक्से में बंद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री को नीतिगत फैसले लेने तक की आजादी नहीं रह जाती। और इस बात को मनमोहन सिंह से बेहतर कौन समझ सकता है कि एक न्यूक्लियर डील ने उन्हें पार्टी और सहयोगी के बीच विलन बना दिया था। तो सारी हकीकत आपके सामने है। इतिहास के एक एक पन्ने को सहजता से पलट कर आपके सामने हमने रख दिया है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास से सबक लेकर फैसले जरूर लिए जा सकते हैं। और अब फैसला लेने की घड़ी आ चुकी है। मोदी या गठबंधन, चुनाव आपको करना है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।